क्या आप जानते हैं कि जो हम घर पे डेली में नाश्ते में पोहा बनाते हैं वो पोहा बनता कैसे है? तो आज मैं आपको लेकर चलूंगी पोहा बनाने की फैक्ट्री में, जहां बहुत सारा पोहा रोज बनाया जाता है और पूरी इंडिया में पोहा सप्लाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये धान है और आप देख सकते हैं कि ये गोल गोल सा है। तो इस धान को सबसे पहले छाना जाता है पोहा बनाने के लिए। इसके लिए यहाँ पे एक बड़ी सी छन्नी लगी हुई है, मशीन लगी हुई है, इसमें से धान को छाना जाता है। इससे कंकड़ और जितना भी इसमें जो मिट्टी है वो अलग हो जाती है और धान अलग हो जाता है। जब धान को छान लिया जाता है, फिर उसको यहाँ बड़ी सी पानी की टंकी में डाला जाता है धोने के लिए। तो यहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे के लिए सोख करके रख देते हैं। उसके बाद इसको पानी से बाहर निकाला जाता है और 18 घंटे के लिए इसी तरह से रखा जाता है। तो ये धान जो है अभी काफ़ी मॉइस्ट है, गीला है अंदर से, इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, ये देखिए। और अब ये धान जो है रोस्ट किया जाता है। इसके लिए यहाँ एक मशीन होती है, इसमें ये धान को डाल दिया जाता है और ये बिल्कुल धीमे धीमे जाके इस मशीन के अंदर रोस्ट होता है। धान को रोस्ट करने के लिए अभी भी पुराना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भट्टी जलाई जाती है। इसके लिए यहाँ पे लकड़ी का बुरादा इस भट्टी के अंदर जाता है, उसको जलाते हैं और आप देखिए वो अच्छे से जल रहा है, फर्नेस टाइप का बन जाता है। ये धान धीरे धीरे अंदर जाता है और रोस्ट होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आउटलेट है, यहाँ पर गर्मा गर्म पैडी या धान जो है निकल रहा है और इसके अंदर अभी काफ़ी सारा मॉइस्चर है इस पैडी के अंदर। तो ये देखिए, एक गर्मा गर्म पैडी है बिल्कुल, इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है और ये जाने को तैयार है रोलिंग मशीन में। अगर पैडी को बहुत हाई टेम्परेचर पर भून दिया जाता है तो ये पफ हो जाती है, जिसको कि खील कहा जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर हम पोहा बना रहे हैं तो इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनते, इसका टेम्परेचर जो है रेगुलर रखते हैं, मॉडरेट करके रखते हैं उसको। अब यहाँ पर पैडी को या फिर धान को मशीन में डाला जा रहा है और इस मशीन में ये प्रेस होता है और पोहे का आकार लेता है। और यहाँ पर जो धान था उसका कवर अलग हो जाता है और ये देखिए सफ़ेद हमें पोहा दिखाई देता है और इस पोहे को अलग कर लिया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। पोहा बन चुकी है पर ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, इसमें अभी और भी काफ़ी सारे स्टेप्स बाकी हैं। तो आइए दिखाते हैं इसके आगे के स्टेप्स। तो यहाँ पर इसको पहली छनाई के लिए डाला जाता है, छन्ने लगे हैं यहाँ पर और जो इसमें अभी काफ़ी सारा जो चूरा आ जाता है उसको अलग कर लिया जाता है और पोहे को अलग कर लिया जाता है। छना हुआ पोहा इस रोलिंग मशीन में डाला जाता है, यहाँ पर इसको रोल किया जाता है। तो फर्स्ट रोल में जो पोहा बनता है वो बनता है तलने वाला पोहा, जब इसको सेकेंड टाइम रोल करते हैं तब बनता है वो खाने वाला पोहा जो कि हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, और जब ये थर्ड टाइम रोल किया जाता है तो पेपर पोहा बनता है जो कि हम अक्सर नमकीन बनाने या फिर दही के साथ खाते हैं, वो पोहा बनता है। तो ये देखिए, फर्स्ट रोलिंग के बाद पोहे ने अपना शेप लेना शुरू कर दिया। आप देखें, अच्छा वाइट और बहुत ही क्लीन पोहा है। तो ये देखिए, पोहा बिल्कुल तैयार है और बस इस प्रोसेस के बाद ये पैक हो जाता है और हमारे घरों तक आ जाता है। तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में पोहा का यूज़ करती हूँ एंड आई एम श्योर आप भी पोहे को बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते ही होंगे। तो आपने देखा कि पोहे बनाने का प्रोसेस कितना लेंदी होता है और काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। हमारे घर तो बस एक पैकेट में आ जाता है और हम इसको फटाफट यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता था कि पोहा कैसे बनता है, तो आज हमने देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।